सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए लड़ रही उनकी एक फ्रेंड को अब मिल रही है धमकियां। उनको और उनके बेटे को जान का है खतरा। जी हाँ, ये वो है जो सुशांत और रिया दोनों की कॉमन फ्रेंड है, स्मिता पारीख, जिसने नेशनल टेलीविजन पर सुशांत की जस्टिस के लिए काफी लड़ाई की है और रिया को लेकर भी काफी खुलासे किए हैं और बताया है कि किस तरह से रिया फोन पर जब उनसे बात कर रही थी तो कह रही थी कि मुझे भी लग रहा है मर्डर, मैं डूबी तो मैं सबका नाम लूंगी, लेकिन जब नेशनल टेलीविजन पर आई तो उन्होंने सुशांत को बाइपोलर बता दिया, यानी कि दुनिया के सामने आकर पलट गई, लेकिन मन में वो भी मानती है कि ये एक मर्डर है। स्मिता पारीख शुरू से ही इस मुहिम पे जुड़ी हुई है। फिर भले ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी कमेंट हो, फिर भले ही महाराष्ट्र सरकार ने कंगना का बंगलो गिराया हो या फिर जया बच्चन ने संसद में कुछ कहा हो, इन सभी बातों पर स्मिता पारीख का कुछ ना कुछ रिएक्शन आया है। और अब जो है स्मिता पारीख ने जितना भी न्यूज चैनल्स पर जाकर बोला है और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्हें धमकियां आ रही हैं और उनको और उनके बेटे को अब खतरा है। यही बात कल स्मिता पारीख ने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर जाकर बताई और अब वो गुहार लगा रही हैं अमित शाह से, स्वामी सुब्रमण्यम से, कि उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाए। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनको और उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। स्मिता पारीख की इस बात को सपोर्ट करते हुए ईशिकरण भंडारी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और कहा है कि जो भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में बोल रहे हैं, पेड पीआर जो है उन लोगों को चुप करने के लिए उनके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन शुरू कर रहा है, उनकी वीडियोज पर आकर नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलने लगते हैं, ऐसे में हमें इन सब चीजों से डरना नहीं है, ये इस लड़ाई का एक हिस्सा है, हमें एक होकर रहना है, क्योंकि ये जो काम है ये सारा काम पेड पीआर का है। पेड पीआर ही है जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए जो लाखों में लोग जुड़े हुए हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जो लोग सुशांत सिंह राजपूत मामले में लड़ रहे हैं उनके जस्टिस के लिए, उनको शुरुआत से ही थ्रेट्स मिल रही है। आपको बता दें कि गणेश और अंकित, इन दोनों को तो पहले भी थ्रेट्स मिल चुकी है और अब स्मिता पारीख को थ्रेट्स मिल रही है और ईशिकरण भंडारी ऑलरेडी कह चुके हैं कि उन्हें भी बहुत थ्रेट्स मिली है और उन्हें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अब्यूजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है उसको खत्म करके ही सांस लेंगे।